तो आप गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और फिर देखते हैं। तो गाड़ी तो हो चुकी है स्टार्ट हमारी। अब इसके एसी को मैं जरा कर लेता हूँ ऑन, फुल स्पीड पे कर लेता हूँ मैं। अरे वाह यार, वाह क्या बात है यार। अरे यार अगर ये काम अगर आप हर महीने अपनी कार के अंदर कर लेंगे तो यार वाकई में सच में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, जैसा कि मुझे इस वक्त आ रहा है। आप देख सकते हैं एयर फ्लो क्या निकल रहा है, उसके साथ ही साथ जो ठंडी हवा मेरे चेहरे तक आ रही है और पीछे तक भी यार जा रही है बड़ी आसानी से। तो यार ये काम तो यार बहुत ही मस्त नीडेड है करना अपनी कार के अंदर आपको। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। एक्चुअली फ्रेंड्स ये जो वीडियो है ये भी रात को यार अचानक ही मुझे बनानी पड़ रही, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यार ये इस वक्त जो मैंने अपनी जो होंडा सिटी टाइप 2 है आप देख सकते हैं उसकी नंबर प्लेट को आगे से निकाला हुआ है। इसकी वजह ये कि क्योंकि मैं इसका जो कंडेंसर है आप कह सकते हैं एसी वाला, उसको मैं क्लीनिंग करने की मैंने सोची, क्योंकि जैसे ही मुझे कभी भी लगता है कि यार एसी में के जो परफॉर्मेंस में वो जो बात है जो पहले आती थी वो नहीं आ रही, तो सबसे पहला काम मैं यही करता हूँ कि इसके जो कंडेंसर है उसको ही क्लीन कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे ये जो इसका कंडेंसर काफ़ी यार बहुत ही बुरी हालत में था, क्योंकि वैसे चाहे भले ही मेरी ये जो कार है बहुत कम चलती है लेकिन फिर भी मैं साल में 2 बार जो इसको क्लीनिंग कर ही लेता हूँ। अगर आपकी भी कार इस प्रकार से अगर ज़्यादा चलती है तो आप अगर चाहे तो 2 से 3 महीने में इस प्रकार से अपनी कार के कंडेंसर को सिर्फ पानी से ही क्लीन अगर आप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एसी के जो है परफॉर्मेंस में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने भी अपनी जो टाइप 2 है होंडा सिटी इसके जो कंडेंसर को मैं क्लीन कर रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इसमें धूल मिट्टी थी जो कि अब काफ़ी हद तक इस पानी के प्रेशर से वो निकल गई है, और इसके बाद जो एसी का परफॉर्मेंस होगा वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट उसमें आ जाती है, काफ़ी हद तक वो परफॉर्मेंस जो हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि नैनो में भी मैं इसी चीज़ को ही इख्तियार करता हूँ। तो उसके बाद उसमें भी जो परफॉर्मेंस जो है उसका वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास भी इस प्रकार की कोई कार है, अगर आप नंबर प्लेट उसकी नहीं निकाल सकते हैं, उसमें आपकी जो है आपकी जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी है क्योंकि उसमें रिपीट लगी होती है उसको आप नहीं निकाल सकते, तो आप साइडों से इस प्रकार से पानी को डाल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो ग्रिल है, मैं इस ग्रिल से भी इस पानी को इसमें डालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप ये देख पाएंगे कि मैंने किसी भी तरह से प्रेशर वाले पानी का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर तेज़ प्रेशर आप लगाएंगे तो आप देख सकते हैं इसकी जो फिन्स होती है वो आपकी बैंड हो जाएंगी, तो उसके बाद जो एयर का प्रेशर है वो अच्छे प्रकार से नहीं ले सकती है, तो इसको भी नुकसान ना पहुँचे। बहुत ही लो प्रेशर जो आपकी नॉर्मल पानी का जो आता है उसी से आपने क्लीन कर लेना है। 5 से 10 मिनट तक अगर आप पानी को इस प्रकार से चलाते हैं तो आपका जो कंडेंसर है वो अच्छे प्रकार से क्लीन हो जाएगा। और देखेंगे यार इसमें तो यार हमारा जो आपका कह सकते हैं कि रेडिएटर जो है वो भी इसके कंडेंसर के ठीक पीछे लगा होता है, तो वो भी क्लीन हो जाएगा, क्योंकि नैनो में हमारा कंडेंसर आगे होता है, जो रेडिएटर होता है वो पीछे लगा होता है, तो उसमें तो हमको डबल काम करना पड़ता है। पहले यार कंडेंसर को क्लीन करना पड़ता है, और अगर हम रेडिएटर को क्लीन करना चाहते हैं तो हमें बैक साइड पिछले भाग की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन इन गाड़ियों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यार आगे कंडेंसर लगा होता है और ठीक उसके पीछे आपको जो है रेडिएटर मिल जाता है, और उसके ठीक पीछे फैन लगा होता है जो कि दोनों का ही काम कर देता है। किसी किसी गाड़ी में 2 फैन लगे होते हैं, क्योंकि जैसे इस मेरी होंडा सिटी के अंदर 2 फैन लगे हुए हैं, एक तो हमारा कंडेंसर के लिए दिया गया है, दूसरा रेडिएटर के लिए, लेकिन ये दोनों फैन एक ही साथ वर्क करते हैं। ये चीज़ मैंने इसमें देखी है तो बहुत ही अच्छी है। इस प्रकार से ये जो गाड़ी है होंडा सिटी टाइप 2 ये भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। तो ये आज की छोटी सी एक वीडियो थी जो कि मैं आपको दिखाना चाहता था कि इस प्रकार से आप अपनी कार के कंडेंसर को जो है क्लीन कर सकते हैं लो प्रेशर के पानी के साथ, और उसके बाद आपका जो एसी का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आज की ये जो वीडियो है आपके लिए लाभकारी रहेगी। तो मिलती है फिर किसी टाटा नैनो की अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय महाकाल।